हस्बैंड का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। अक्सर ही मैं लोगों के लिए बनाती हूँ और इस बार मैं हस्बैंड के लिए बनाने जा रही हूँ, तो सुपर एक्साइटेड हूँ और सोच रही हूँ कुछ ऐसा केक बनाए जो यूनिक हो, इंटरेस्टिंग हो, देखने में भी सुंदर लगे। और उन्हें कलर्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं विदाउट कलर इसे बनाऊँगी। साथ में मैंने जो डिज़ाइन सोची है ना, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कोई भी नोज़ल भी नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि ये केक बहुत ही अच्छा बनने वाला है, यूनिक, इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो केक है इसे मैंने पहले ही बेक कर लिया था और ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। और अब इसका वेट भी देख लेते हैं, तो ये 584 ग्राम्स है इस केक का वेट। और अगर आप इस वेइंग स्केल को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। और इसे मैंने बेक किया था 6 इंच के टिन में, जिसका हाइट इतना है। तो ये हाइट वाला टिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसके टॉप पार्ट को कट कर लेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जो नाइफ है ये डिफरेंट है, ये घर की ही नाइफ है, इससे आज मैं कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर का क्रैक्स वाला पार्ट होता है ना, तो इसे हम निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रैक वाला पार्ट निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं तो कितना वेस्टेज हो जाता है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। और चलिए अब इसे हम बिल्कुल इक्वल लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 लेयर्स में इसे कट करेंगे। और कट करते समय आप देख रहे हैं कि ये जो टर्न टेबल के ऊपर केक बेस है बहुत इधर उधर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँगी, हमेशा जो है आप एक कपड़ा लगा लीजिए टर्न टेबल के ऊपर, उसके बाद केक बेस को जब रखेंगे ना तो वो जब आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और बहुत ही परफेक्टली केक कट होगा। चलिए अब इसे हम कोट करेंगे क्रीम से। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस के ऊपर हम लगाते हैं थोड़ा सा क्रीम और अब इसके ऊपर केक स्पॉन्ज रखेंगे, स्लाइटली प्रेस कर देते हैं, इससे क्या होगा केक इधर उधर नहीं होता है। और फिर इसे हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो यहाँ पे शुगर सिरप या सिर्फ पानी से भी आप सोक कर सकते हैं, और सोकिंग बहुत ही ज़रूरी है, ये पार्ट स्किप नहीं करना है, जिससे कि केक काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। तो चारों ओर से सोकिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम। ये चॉकलेट क्रीम मैंने कैसे बनाई ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, पहले हम असेंबल कर लेते हैं केक को। तो चॉकलेट क्रीम को इस तरीके से केक के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, बिल्कुल इवनली हमें स्प्रेड करना है। और फिर अब इसके ऊपर हम लगाते हैं सेकेंड लेयर और इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो केक बनाना है वो चॉकलेटी बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट क्रीम का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप ये चॉकलेट क्रीम पसंद नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल व्हाइट क्रीम यानी कि व्हिप्ड क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और बीच में आप चाहें तो थोड़े से चॉको चिप्स भी डाल देंगे ना, तो ये और भी चॉकलेटी लगेगा। और इसी तरीके से हम लेयर्स को रिपीट करके पूरा असेंबल कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में असेंबलिंग नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये दिखाया है कि कैसे केक को प्रॉपरली असेंबल करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए केक की क्रम कोटिंग हो गई है और इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर हम कप से मेजरमेंट लेंगे, तो ये 200 ml का कप है, तो पूरा भर के मैं एक कप व्हिप क्रीम ले रही हूँ। और साथ ही में हम 3/4 कप क्रीम और लेते हैं, तो अप्रॉक्स 350 ml क्रीम है और इसे हम परफेक्टली बीट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ वो 300+ वॉट का बीटर है। अगर आप ये बीटर खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। जितने अच्छे वॉट का बीटर होगा उतनी जल्दी क्रीम परफेक्टली बीट होगी। तो क्रीम को बीट करने के बाद इसके हमें अलग अलग 3 शेड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बोल में डालते हैं व्हाइट व्हिप क्रीम, ये लगभग मैंने 3 कप लिया है। और अब इससे हमें चॉकलेटी बनाना है, तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर व्हाइट क्रीम में लगभग 3 से 4 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश डालकर इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे लाइट चॉकलेट क्रीम बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कम चॉकलेट गनाश का यूज किया है। और ये देखिए बीट करते हुए कितना परफेक्ट ये चॉकलेट क्रीम बनके रेडी हो गया है। और इसी चॉकलेट क्रीम से मैंने केक को कवर किया था। तो अब हमें चॉकलेट क्रीम का डार्कर शेड बनाना है, तो हम लगभग 125 ग्राम्स व्हिप क्रीम डालते हैं बोल में। यहाँ पे कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। अब हम डालते हैं लगभग 1/4 कप चॉकलेट गनाश और इसे हम फिर से अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीम और चॉकलेट गनाश बिल्कुल परफेक्टली बीट हो गया है, लेकिन मुझे अभी शेड थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश और ऐड किया है और इसे हम परफेक्टली मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी डार्कर शेड वाली चॉकलेट क्रीम रेडी हो गई है। तो ये देखिए केक भी बहुत अच्छे से सेट हो गया, आधे घंटे फ्रिज में रख दिया था। और अब मैंने डार्कर शेड वाली जो व्हिप क्रीम है उसको पाइपिंग बैग में भर लिया है और इस तरीके से हम नीचे की तरफ क्रीम लगाएंगे। तो टर्न टेबल को रोटेट करते हुए हम चारों ओर क्रीम लगा दे देंगे। तो यहाँ पर हम 2 लेयर्स क्रीम के लगाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम डार्कर शेड की क्रीम लगाएंगे, तो चारों ओर इस तरीके से लगाने के बाद अब हम लाइट शेड वाली क्रीम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेम वैसे जैसे मैंने डार्कर शेड लगाया था, वैसे ही लाइट शेड वाली क्रीम भी लगाएंगे। और अब हम टॉप पार्ट में लगाते हैं व्हाइट वाली क्रीम। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 शेड दिख रहा है, एक डार्क दिख रहा है, उसे थोड़ा लाइट और ऊपर व्हाइट हो गया है। तो ये 3 शेड की जो क्रीम बनेगी ना, इससे बहुत ही अच्छा केक का लुक आएगा और इसे ही कहते हैं ऑम्बर इफेक्ट। तो केक के साइड में मैंने 3 कलर की क्रीम्स लगा दी है और टॉप में मुझे व्हाइट रखना है, तो यहाँ पर टॉप में भी इसी तरीके से क्रीम स्प्रेड कर लेते हैं।
आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा क्रीम रखकर इस तरीके से भी पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आप फॉलो करके टॉप पार्ट में क्रीम लगा सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी इजी लगा, फटाफट से हो गया। पाइपिंग बैग से लगाने से अच्छा है कि आप ऐसे ही पूरा क्रीम लगा दीजिए तो जल्दी काम हो जाता है। और इस तरीके से हम टर्न टेबल को घुमाते हुए पैलेट नाइफ से टॉप पार्ट को सबसे पहले स्मूथ करेंगे। तो ये देखिए टॉप पार्ट स्मूथ हो गया है। अब साइड को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर हम स्क्रैपर लेंगे, टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और बहुत ही जेंटली हम क्लीन करते जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रैपर को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, एक ही जगह रखना है। सिर्फ टर्न टेबल को घुमाते जाइए तो क्रीम अपने आप ही क्लीन होती जाएगी। बस ध्यान रखना कि तीनों क्रीम आपस में मर्ज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से दिखनी चाहिए। तो ये देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है ना, तीनों शेड बहुत ही परफेक्टली क्लीन हो गई। अब मैं यहाँ पे साइड में कुछ भी नहीं करूंगी, बस टॉप पार्ट को बहुत ही जेंटली क्लीन कर लेते हैं। तो ये केक बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो गया है। और अब हम टॉप पार्ट में डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिंग कटर लिया है, आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर एक इंप्रेशन दे रही हूँ ताकि मुझे केक का सेंटर मिल जाए। और अब हम इसके एजेस में इस तरीके से डॉट डॉट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पाइपिंग बैग लिया है, कोई भी नॉजन नहीं लिया है, और डार्क वाली चॉकलेट क्रीम ली है और व्हाइट वाली चॉकलेट क्रीम ली है। तो इस तरीके से अल्टरनेट करते हुए मैं एक बार डार्क एक बार व्हाइट लगा रही थी, लेकिन वो बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने पहले डार्क चॉकलेट वाली क्रीम लगाना स्टार्ट किया। तो इससे हमारा टाइम भी बच गया और मेहनत भी बहुत कम हुई। तो इस तरीके से पहले मैंने सारे डॉट्स केक के सेंटर्स में बना लिए और ये देखिए कितना अच्छा एक सर्कल बन के रेडी हो गया है। और बाकी जो गैप्स हैं दोनों चॉकलेट के बीच में, उनके बीच में मैंने वाइट क्रीम इस तरीके से लगा दिया। मे बी अभी आपको डिज़ाइन उतनी समझ नहीं आ रही होगी, सिंपल डॉट ही करना है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत लगती है बनने के बाद कि लगता ही नहीं कि इतना सिंपल है इसे बनाना। तो सारे गैप्स मैंने वाइट क्रीम भी लगा दिया है। अब हम दूसरा लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम वाइट डॉट के नीचे चॉकलेट डॉट लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ वाइट डॉट है उन सभी डॉट्स के नीचे हम चॉकलेट डॉट लगाएंगे और चॉकलेट डॉट के नीचे हम व्हाइट डॉट्स लगाएंगे। तो ये अल्टरनेट करते हुए हम लगाएंगे जिससे कि ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही प्रिटी लगेगी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है डिज़ाइन और बनाना कितना सिंपल है। और यहाँ पे केक के एजेस में भी हम इस तरीके से डिज़ाइन बना देते हैं जिससे कि साइड भी जो अनइवन है वो कवर हो जाएगा और देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो बगैर नॉजल के ये देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट डिज़ाइन बन गई है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा लग रहा है, बीच में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए एक सिंपल सी चॉकलेट गार्निशिंग बनाएंगे। तो चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट भी लिया है और डार्क चॉकलेट भी लिया है। दोनों को बहुत ही अच्छे से माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं। वैसे अगर आपके पास सिर्फ मिल्क चॉकलेट है तो आप उससे भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों मिक्स करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसलिए मैंने दोनों का ही यूज़ किया है। तो दोनों को मैंने मेल्ट कर लिया है। और अब हम लेते हैं OHP शीट। ये OHP शीट आपको मार्केट में कहीं भी मिलेगी, ये स्टेशनरी शॉप में भी इजीली अवेलेबल है। और इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं इस तरीके से मिल्क चॉकलेट, थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे जिससे कि ये शेडेड इफेक्ट आएगा। और इसे हम सेट होने रख देते हैं। और अब हम डार्क और मिल्क चॉकलेट को आपस में मिक्स कर लेते हैं। पहले मैंने इसीलिए नहीं मिक्स किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्रिजलिंग इफेक्ट देना था सिर्फ मिल्क चॉकलेट से। और ये देखिए दोनों को मिक्स करने के बाद कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है वो सेट हो गई है। और अब इसके ऊपर ड्रिजल करते हैं डार्क वाली चॉकलेट। तो ध्यान रखिए जो डार्क चॉकलेट है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे वाली जो मिल्क चॉकलेट है ना वो मेल्ट हो जाएगी, फिर परफेक्ट सा शेड नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने डार्क चॉकलेट को इवनली स्प्रेड कर लिया है। और अब इसे हम सेट करने के लिए रखते हैं रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये देखिए हाथ से जब टच कर रहे हैं तो ये हाथ में नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि ये चॉकलेट सेट हो गई है, इसे हमें फुली सेट नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने ये छोटा रिंग कटर लिया है और इस तरीके से हम सर्कल में कट कर लेंगे, हल्का हल्का इंप्रेशन देंगे ताकि जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छे से सर्कल बन के निकलेगा। तो चॉकलेट के ऊपर इस तरीके से इंप्रेशन देने के बाद इसे हम फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे। तो 5 मिनट हो गया, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और ये जो शीट है ना आराम से निकल जा रही है। वैसे आप इस शीट का यूज़ दोबारा भी कर सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है, धो के साफ करके आप स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा चॉकलेट गार्निशिंग भी बन के निकल जा रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया राउंड शेप आया है और ऊपर से आप देख रहे हैं जो मैंने सिर्फ मिल्क चॉकलेट को ड्रिजल किया था उसका जो शेडिंग इफेक्ट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे यहाँ तो ये बच्चे टूटे हुए जो चॉकलेट गार्निशिंग है ना उसे ऐसे ही खा लेते हैं, उन्हें खाने में बड़ा मज़ा आता है। और चलिए अब इस राउंड्स को हम लगाते हैं केक के ऊपर। ये केक बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये देखने में इतना प्रीटी लग रहा है कि जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बना है। और इस बार मैं कोई गिफ्ट लेके नहीं आई तो मैंने सोचा कि एक केक से ही अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देते हैं। आज मेरे 5 लाख फॉलोअर्स भी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो आज डबल खुशी है। तो आप सभी के साथ मिलकर आज हम सेलिब्रेट करेंगे। अरे ताली मारो तुम सबको। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये सर ये केक है आप लोगों के लिए। वही।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आप और भी अच्छे अच्छे डेकोरेशंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर केक बनाए हैं, जिसकी रेसिपी आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।